कानों में जब डुक डुक की आवाज सुनाई देती है तो लोग मुड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि आज भी गांव देहात में जब किसी के बुलेट की आवाज आती है तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर बुलेट पर कौन आया है। यही वजह है कि लोग बुलेट खरीदने से पहले बुकिंग कराते हैं और फिर महीनों तक इसकी डिलीवरी के लिए इंतजार करते हैं। इतने शानदार लुक वाली ये शान की सवारी आपको भी पसंद होगी, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये बाइक इंडियन है या विदेशी? क्या आपको पता है कि कैसे इंडिया तक पहुंची और लोगों के लिए ये बाइक से ज़्यादा उनकी शान बन गई? तो आइए एक नज़र डालते हैं रॉयल इनफील्ड के इतिहास पर। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस रॉयल इनफील्ड बुलेट को सारा भारत पसंद करता है, दरअसल उसका जन्म भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में हुआ था। आज जो रॉयल इनफील्ड अपनी ताकतवर मोटरबाइक्स के लिए जानी जाती है, उसकी पेरेंट्स कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत सुई बनाने से की थी। जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक शख्स ने गिरवी वर्क्स नाम की एक सुई बनाने की कंपनी की शुरुआत की थी। जॉर्ज ने 1851 में किन्हीं कारणों से अपनी ये सुई बनाने वाली कंपनी बंद कर दी। कंपनी ने सुई बनाना तो बंद कर दिया था, लेकिन जॉर्ज के बेटे जॉर्ज जूनियर और उसके भाई ने बोन शकर्स नाम से इस कंपनी की दोबारा शुरुआत की और इस कंपनी में सुई के बदले में साइकिल और साइकिल के पार्ट्स बनने लगे। पैसों की कमी के कारण 1890 में जॉर्ज जूनियर को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी और एल्बर्ट एडी और आरडब्ल्यू स्मिथ के रूप में नए मालिक मिले। 1896 में इस साइकिल बनाने वाली कंपनी को नया नाम मिला, द रॉयल इनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड। साइकिल के पार्ट्स बनाने वाली इस कंपनी ने 1899 में कुछ नया करने का सोचा और इसके बाद इन्होंने चार पहिए वाली साइकिल बना दी। इस कंपनी ने कुछ नया करने की इतनी ललक बढ़ती रही कि ये अपनी साइकिल पर नए नए प्रयोग करते रहे। इस तरह एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ ने 1901 में माइन रेवा कंपनी का 339 सीसी का इंजन इस्तेमाल करते हुए मोटर से चलने वाली साइकिल बना डाली। जर्मन अधिकारियों ने DKW RT100 बाइक्स की सप्लाई पर रोक लगा दिया था और रॉयल इनफील्ड से संपर्क किया था कि वो एक ऐसी बाइक बनाए जिसे युद्ध में सेना इस्तेमाल कर सके। साल 1914 से 1918 तक इस कंपनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, USA और रूस की सेनाओं को मोटरसाइकिल की सप्लाई की, जिसका नाम था रॉयल बेबी। आइकॉनिक बुलेट का निर्माण 1932 से शुरू हुआ, जो आज तक प्रोडक्शन में जारी है। शुरुआत में बुलेट को तीन इंजन 250 सीसी, 350 सीसी और 500 सीसी के साथ लंदन में पेश किया गया था। 1942 में कंपनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्लाइंग फ्ली मोटरसाइकिल को पेश किया और ये मोटरसाइकिल लाइट वेट होने के साथ साथ बाइक्स को पैराशूट की मदद से हवाई जहाज से युद्ध के मैदान में आसानी से गिराया जा सकता था और इस बाइक को सेना आसानी से युद्ध में इस्तेमाल कर लेती थी। इस बाइक में 125 सीसी का टू स्ट्रोक इंजन था और इसका वजन सिर्फ 60 केजी था और सैनिक आसानी से इस बाइक को अपने हाथों से उठा भी लेते थे। आजादी के बाद भारत सरकार को बॉर्डर की निगरानी के लिए सेना के लिए एक मोटरसाइकिल की जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1954 में सेना के लिए इनफील्ड को 800 बाइक्स का ऑर्डर दिया। भारत सरकार को बुलेट इतनी भाग गई कि उन्होंने 1955-56 में फौज के साथ साथ पुलिस को भी बुलेट देने का फैसला किया। हालांकि रॉयल इनफील्ड को इतनी बड़ी मांग पूरा करना आसान नहीं था। बुलेट की इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए इनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड ने मद्रास मोटर के साथ एक पार्टनरशिप हुई और इस पार्टनरशिप के तहत भारत में बुलेट मोटरसाइकिल की असेंबलिंग शुरू हो गई। भारत में बुलेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए रॉयल इनफील्ड UK ने भारत में इनफील्ड इंडिया नाम से एक सहायक कंपनी की शुरुआत करी और देश में बुलेट का निर्माण होने लगा। एक तरफ रॉयल इनफील्ड क्लासिक मोटरसाइकिल को विकसित कर रहा था तो दूसरी तरफ जापान के मोटरसाइकिल निर्माता अपनी सस्ती और लो मोटरसाइकिल से पूरी दुनिया में तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। दूसरे लीजेंडरी ब्रांड्स की तरह रॉयल इनफील्ड को भी मार्केट में टिकना मुश्किल हो रहा था। 1970 में रॉयल इनफील्ड UK को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि भारत में इसका प्रोडक्शन जारी रहा और भारत से ही पूरी दुनिया में रॉयल इनफील्ड बाइक्स का एक्सपोर्ट होता था। इसी बीच इनफील्ड इंडिया लिमिटेड ने भारत में 1993 में पहली बार डीजल के साथ बुलेट को पेश किया, लेकिन इन सब के बाद भी इनफील्ड
इंडिया लिमिटेड की वित्तीय हालत खराब होती गई और 1994 में आइशर मोटर ने इनफील्ड इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम इनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी रॉयल इनफील्ड कुछ खास नहीं कर पा रही थी और साल 2000 में आइशर ग्रुप को भी रॉयल इनफील्ड से घाटा उठाना पड़ रहा था। 20 करोड़ घाटा सहने के बाद भी इस ग्रुप के मालिक विक्रम लाल के पास रॉयल इनफील्ड को बेचने के अलावा या बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कंपनी बंद होती इससे पहले एक शख्स ने इसे फिर से खड़ा करने का जिम्मा उठाया। ये शख्स थे विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल। उन्होंने डिवीजन से कंपनी को घाटे से निकाल कर मुनाफे में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ की इस मांग को मान लिया गया और उन्हें इसका हेड बना दिया गया। सिद्धार्थ लाल एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बाइक एंथुसियास्ट भी थे। उन्होंने रॉयल इनफील्ड की गिरती सेल्स की वजह जानने के लिए खुद हजारों किलोमीटर तक रॉयल इनफील्ड बाइक को खुद चलाकर टेस्ट किया और बाइक की कमियों को ढूंढा और उन कमियों पर काम किया। सिद्धार्थ लाल पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने रॉयल इनफील्ड के इंजीनियर्स को रॉयल इनफील्ड के इंजन में बदलाव करने के लिए कहा। सबसे पहले रॉयल इनफील्ड बुलेट को एक नया रिफाइन इंजन दिया गया जिसमें गियर को राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड में दिया गया। इसके अलावा बुलेट में सेल्फ स्टार्ट जैसे नए मॉडर्न फीचर्स दिए गए। लेकिन रॉयल इनफील्ड में मैकेनिकल और टेक्निकल बदलाव के साथ साथ सिद्धार्थ ने इस बात का ध्यान रखा कि रॉयल इनफील्ड बुलेट के लुक्स में कोई बदलाव ना किया जाए। इन सब बदलाव के बाद रॉयल इनफील्ड को चलाना बहुत आसान हो गया और धीरे धीरे रॉयल इनफील्ड बुलेट आम लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी। सिद्धार्थ सिर्फ इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने रॉयल इनफील्ड को एक बाइक कंपनी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल के तौर पर पेश किया। सिद्धार्थ ने रॉयल इनफील्ड कम्युनिटी पर काम किया ताकि रॉयल इनफील्ड फैन फॉलोअर्स रॉयल इनफील्ड से जुड़े रहे। इन सब के बावजूद रॉयल इनफील्ड को अपने फैन फॉलोअर्स के लिए एडवेंचर ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है जो रॉयल इनफील्ड की ब्रांड बिल्डिंग में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड बाइक राइडिंग इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती है। रॉयल इनफील्ड अपने एड कैंपेनिंग टीवी पर देने के बजाय लाइफस्टाइल मैगजीन में ऐड करती है। इन सब के अलावा रॉयल इनफील्ड अपने खुद के मर्चेंडाइज प्रोडक्ट भी अपने शोरूम पर अवेलेबल कराती है। तो फ्रेंड्स, ये सब सिद्धार्थ लाल की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिसने रॉयल इनफील्ड को आज इंडिया का हार्ले बना दिया। जहां हार्ले डेविडसन पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5 लाख मोटरसाइकिल ही बेच पाती है तो वहीं रॉयल इनफील्ड सिर्फ भारत भर में ही 7.5 लाख मोटरसाइकिलें बेच देती है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स प्राप्त हो सकें।